Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing great. This is Muruba Fatma. I am the student of Aptic Garden. Today I am presenting my vision project, and the topic of my vision project is Explore Karachi. I done my vision project with the help of my group members, Gautam Kumar and Bhai Hussain, and our faculty, Sir Saddam, also guide us. So let's start talking about my project. सो बेसिकली आपको स्क्रीन पे वेबसाइट शो हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारी वेबसाइट का नेविगेशन बार आ जाता है, जिसमें हमारा एक सूटेबल लोगो है एक्सप्लोर कराची के नाम से। उसके बाद हमारे पेजेस आ जाते हैं, होम, प्लेसेस, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट एंड साइट मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम के पेज को स्क्रॉल करेंगे तो सर्विसेज आ जाएंगी, जिसमें हम लोग कंप्लीट गाइडेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बेस्ट प्लेसेस। उसके बाद गैलरी का ऑप्शन आ जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी प्लेसेस जो है वो ऐड की गई है, जिसके ऊपर माउस ओवर लगा हुआ है, जिसमें प्लेसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कायदे आजम का म्यूजियम है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन दी गई है कायदे आजम म्यूजियम के बारे में, मतलब क्या है उसके बारे में सब कुछ बताया गया। इस तरह सी साइड है और बहुत सारी प्लेसेस हैं। उसके बाद हमारा एक फुटर आ जाता है, फुटर के अंदर हमारी ब्रांचेस की लोकेशन ऐड की गई है, क्विक लिंक ऐड किए गए हैं पेजेस के, एंड फॉलो अस के लिंक्स ऐड किए गए कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। सेकंड वन हमारा जो है वो प्लेसेस का पेज है, जिसको हम जिस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, एंड फर्स्ट हमारा जो है वो होटल्स हैं। होटल्स में हम जाएंगे तो फर्स्ट जैसे हमारा कार्ड आ रहा है पीसी होटल का, तो उसमें एक बटन है फाइंड लोकेशन का, उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो वो जो बटन है वो हमें गूगल मैप पे लेके जाएगा, और गूगल मैप के थ्रू हमें उस होटल की लोकेशन मालूम होगी। देन हम बैक पे जाएंगे तो उसके बाद इसी तरह सब, इसके बाद हमारे पास जो फाइंड लोकेशन का बटन है, उसके बाद हमारे पास डिटेल और अबाउट का एक बटन दिया गया, जिसपे हम क्लिक करेंगे तो उसमें हमें होटल के बारे में बताया गया कि होटल की टाइमिंग क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, और वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह सारे जो होटल्स हैं उसमें सेम वर्क किया गया है, जो होटल मेहरान हो गया या अवारी टावर्स हो गया या बीच लग्जरी होटल हो गया, सब पे सेम फाइंड लोकेशन का एक बटन दिया गया है जो गूगल मैप के थ्रू ओपन होगा, और गूगल मैप के थ्रू हमें उसकी लोकेशन दिखेगी। एंड देन सेम डिटेल्स और अबाउट में उसकी डिटेल्स बताई गई, उसकी टाइमिंग, उसकी प्राइस, लोकेशन और सर्विसेज क्या प्रोवाइड करें। उसके बाद हमारे रेस्टोरेंट्स का पेज आ जाता है। रेस्टोरेंट्स के पेज पे हमारे पास रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, पॉपुलर कोलाची, बारबेक्यू नाइट एंड कबाब जी एंड लाल किला। सेम वही फाइंड लोकेशन का वर्क सेम होगा, डिटेल्स और अबाउट में उससे डिफरेंस ये होगा कि वो सर्विसेज प्रोवाइड ये करेंगे, डाइनिंग, टेक अवे और डिलीवरी का ऑप्शन दे रहे हैं, और उसकी टाइमिंग ओपन होने की कब है। उसके बाद थर्ड वन प्लेस हमारे पास मॉल्स आ जाती हैं, जिसमें डॉलमन मॉल आ गया, लकी वन मॉल एटसेट्रा जो भी है। उसके बाद उसमें डिटेल्स हैं वो बताई गई हैं कि टाइमिंग क्या है, और उसका फ़ोन नंबर बताया गया है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और लोकेशन ऐड की गई है कि वो कहाँ है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सी साइड्स। सी साइड्स में क्लिफ्टन बीच, फ्रेंच बीच, मनोरा टर्टल बीच। सेम इसमें जो डिटेल्स और अबाउट है उसमें टाइमिंग बताई गई और लोकेशन बताई गई, फाइंड लोकेशन सेम वर्क करेगा, हमें लोकेशन बताएगा गूगल मैप के थ्रू। लास्ट वन हमारे पास पार्क्स आ जाते हैं, जिसमें बागे अपने कासिम, कराची सफारी पार्क और एटसेट्रा जो भी है। इसमें भी सेम डिटेल्स और अबाउट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि टाइमिंग और प्राइस का डिफरेंस है कि उसकी जो टिकट प्राइस है वो क्या है, बाकी लोकेशन सेम वही वर्क है, बस लोकेशन सब कुछ है। उसके बाद थर्ड वन तो हमारे जो प्लेसेस का जो पेज है वो खत्म हो गया। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाएंगे, जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट का फॉर्म है। कॉन्टैक्ट के फॉर्म पे वैलिडेशन है अवेलेबल कि आप विदाउट, मतलब एम्प्टी आप फिल करके उसको सेंड नहीं कर सकते, वैलिडेशन लगी हुई है कि फील्ड इज रिक्वायर्ड। उसके बाद हमारे लोकेशन का मैप आ जाता है। फोर्थ हमारा पेज अबाउट का है, जिसमें कराची के बारे में बताया गया, अबाउट कराची, जिसमें रीड मोर का एक बटन है। रीड मोर के बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो कराची के बारे में बताया गया है, कराची जो है वो लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान की, और कराची को लाइट जो है वो कहा जाता है सिटी ऑफ लाइट्स। कराची के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है। उसके बाद रियलाइज के बटन पर क्लिक करेंगे तो हम फिर उसी पेज पर चले जाएंगे। इसके बाद एक लास्ट जो है वो साइट मैप का ऑप्शन है, जिसमें हमारे सारे पेजेस के जो लिंक ऐड किए गए हैं। सो बेसिकली वेबसाइट क्रिएट करने का मकसद ये है कि जिन्हें कराची के बारे में नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फॉरेन पीपल के लिए तो बनाई गई है, क्योंकि वो इस वेबसाइट के थ्रू कराची को एक्सप्लोर कर सकेंगे, उन्हें पता चलेगा प्लेसेस के बारे में कि कराची की प्लेसेस कौन कौन सी, इंटरेस्टिंग प्लेसेस, इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी लोकेशन क्या है, इसके थ्रू पता चलेगा कि उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो क्या है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बट ये कराची के लोगों के लिए भी बनाई गई है, क्योंकि काफी सारे कराची के कुछ काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कराची में रहते हुए भी पता नहीं होता कि कराची कौन सी प्लेसेस फेमस है और कौन कौन सी प्लेसेस हैं, कहाँ जाना चाहिए, कौन सी जो है पॉपुलर जगह है, तो ये उनके लिए भी बनाई गई। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वेबसाइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।